ट्रेड कमीशन की तहकीकात मुकम्मल, रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस को मौसूल। कमीशन रिपोर्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी जाहिद मकसूद ने वसूल की। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट और मुतल्लिका रिकॉर्ड 500 सफहात पर मुश्तमिल। कमीशन ने मजमूई तौर पर 26 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस चाहते हैं ये केस तकबील तक पहुंचे। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी से जवाब तलब कर लिया। समाप्त 30 मार्च तक मुलतवी। बतौर सेनेटर नाअहली के लिए दरखास्तें, यूसुफ रजा गिलानी से जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन ने समाप्त 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। यूसुफ रजा गिलानी अब चेयरमैन सेनेट नहीं बन सकते। रहनुमा पीटीआई मलिका बुखारी पुरअज़्म, कहा साबिक नाअहल वजीर आजम के बेटे ने मेंबरान पार्लियामेंट के जमीर की बोलियां लगाई। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से फारूक एच नायक ने दायर की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि यूसुफ रजा गिलानी के 7 मुस्तरद शुदा वोटों को मंजूर करके उन्हें चेयरमैन सेनेट करार दिया जाए। किसी को इजाजत नहीं कि मापराय अदालत ठोकते, नैब को इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ की घनगरज, कहा मरियम नवाज की नैब पेशी के वक्त हम सब साथ जाएंगे। सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी को क्या करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी पंजाब का इजलास आज तलब कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मिलने मंसूरा भी जाएंगे। नवाज जरदारी करप्ट नहीं तो फिर पाकिस्तान करप्शन फ्री मुल्क है, नैब बंद करके ढाबा खोल देते हैं। विफाके वजीर फवाद चौधरी का तंजियावार, कहा मुलजिमान को रोज थिएटर लगाने के मौके फ्राहम करना मायूस कुन है। उम्मीद है नैब मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर। हेडलाइंस आपने जानी, इस मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।